नमस्कार नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉविन घोष जी, जो कि लोकनाथ बस सर्विसेज के ओनर है। रॉविन जी एक बहुत ही सफल और जाने माने नामों में से एक है हमारे बस इंडस्ट्री में। एक बस किराए पे लेके जिन्होंने बिजनेस चालू किया और आज 20 से ज़्यादा बसों का बिजनेस चला रहे हैं। तो क्या है लोकनाथ बस सर्विसेज की कहानी, आइए जानते हैं खुद रवीन जी से। नमस्ते रवीन जी। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ बस ऑपरेटर्स पे। केमन आछेन? भलो। लोकनाथ बस सर्विसेज की कहानी आपकी कहानी के बिना अधूरी है, तो क्यों ना शुरुआत से शुरू करें, कैसा था आपका बचपन? हम बहुत छोटा से, जैसे हमको 14-15 साल उम्र रहा, उसी टाइम से मैं पढ़ा लिखा भी करता रहा, उसके पास छोटा छोटा बिजनेस भी करते रहा, जैसे पोल्ट्री, जैसे मिल्क, ऐसे चलाता रहा। तो ये आप किस उम्र से कर रहे हैं? 14-15 साल से। अच्छा। क्योंकि मेरे फैमिली को, जो हमारा पिताजी है, वो कोई प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता रहा, वो फैक्ट्री आधा टाइम में बंद ही रहता है। मेरा फैमिली भी बड़ा है, मेरा 4 दीदी है, 2 भाई है हम लोग, मेरा पिताजी और मम्मी जी रहा। तो इसको चलाने के लिए क्या होता, जब मिल बंद हो जाता उस टाइम में हम लोग को बहुत असुविधा में पड़ जाता है। उस टाइम में क्या होता, कुछ करने के लिए सोचा है। उसी टाइम से मेरे को फर्स्ट टाइम पोल्ट्री का बिजनेस रहा, तो वो बिजनेस भी हम चलाते चलाते उसको से पैसा लेके, और हम लोग जो घर में है सब दीदी लोग है, हम लोग सब ग्रेजुएशन के हैं, अपना अपना सब मिलजुल के काम करके उसमें से थोड़ा रोजगार बढ़ा के हम लोग पढ़ा लिखा किया है, प्लस हमारा संसार भी चला लिया, घर गृह से चला लिया। हम 82 में माध्यमिक पास किया है। अच्छा। उसको बाद में ग्रेजुएशन किया। उस टाइम में तो कंप्यूटर भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। हाँ। मेरे के पास फोन भी नहीं था, लैंड फोन छोड़ के कुछ नहीं था। हाँ। उसको सामने मेरे को कोई ये संबंध, कोई क्या बोलेगा इसको, कोई ध्यान मालूम ही नहीं था जो क्या होता है, क्या सॉफ्टवेयर होता है। अभी तो सबको पास है, और जो अभी तो फोन भी सबको पास है, लैपटॉप भी सबको पास है। ये सफर तो बहुत टफ था। ये सफर जब शुरू किया मैं 0 से, मेरे दूसरा ऑपरेटर का गाड़ी भाड़ा में किराए में लेके हम चलाते रहा, कोई रूट चलाते रहा। ये है जो हम नॉर्थ बंगाल में पूरा रूट चलाते हैं, हमको कोई टूरिस्ट सर्विस नहीं है, सब रूट में मेरा गाड़ी चलता है अभी। तो पहले तो जैसे गवर्नमेंट का नियम था जो परमिट ओनर होने से किराए पर गाड़ी लेके चलने सकेगा, अभी तो वो आइन नहीं है, वो आइन तो उठ गया अभी। अभी तो ऐसा हो गया जो जिसको गाड़ी रहेगा उसी को परमिट लेना होगा। अच्छा। तो उस टाइम में था 25 साल पहले जब हम शुरुआत किया, तो हम दूसरा आदमी को गाड़ी लेके किराए पर लेके हमारा परमिट हमारा नाम में लेके उसमें भाड़ा में हम चलाते रहा, उसी से हम शुरुआत किया। ये सफर बहुत टफ रहा, बहुत स्ट्रगल रहा, क्योंकि मैं 0 से शुरू किया है। हमको इंस्पिरेशन देने के भी कोई आदमी नहीं रहा, और ये बिजनेस कैसे चलता है वो भी मेरे को मालूम नहीं आया। हम दूसरा बिजनेस में रहा उस टाइम में, तो उसको बाद में मैं डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस में आया। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोसरी, उसको बाद में हम हैवेल्स, अभी हमारे हैवेल्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा। केबल का भी बिजनेस है उस टाइम में, 2020 में हम केबल बिजनेस में, 2000 साल में हम केबल बिजनेस में भी आया है। तो उसी टाइम में सोचता रहा जो मेरा फैमिली का, जो हमारा छोटा भाई है उसको भी नौकरी उस टाइम में थोड़ा मोड़ा मिलता रहा, लेकिन हम लोग का जॉब, हम 14-15 साल से ये बिजनेस में घुस गया, इसीलिए हमको नौकरी का तक नज़र नहीं रहा। हम सोचते हैं बिजनेस करके कुछ होगा। कोई टाइम में एक तो कोई आदमी बोला चलो भाई राइटर्स बिल्डिंग में, सब राइटर्स में हम लोग को परमिट देता रहा लॉन्ग रूट का, तो बोलो उधर से परमिट मिलता है, तो हम सोचते चलो परमिट लेने के लिए गया। तो परमिट भी लेने में उस टाइम में परमिट भी कलकत्ता से अदर्स जो स्टे इंटरस्टेट रहा, वो परमिट भी उस टाइम में नहीं देता रहा सरकार गवर्नमेंट, लेकिन वो कोर्ट उठ करके बहुत तकलीफ करके एक तो परमिट मिला है हम लोग। ये कौन से साल की बात है? ये करीब 86-87। अच्छा। होगा उस टाइम में हम कलकत्ता से मुर्शिदाबाद एक परमिट निकाला है, वो भी टीपी परमिट, 3-4 महीना के लिए देता रहा। उसको बाद में केस करके हम लोग जो परमानेंट परमिट 5 साल का मिला है, तो ही हमको पहला
गाड़ी है किराए पर लेके चलाना, वही पर चलते चलते हम जिसको गाड़ी रहा उसी को गाड़ी हम खरीद लिया, सेकेंड हैंड गाड़ी, पहला सेकेंड हैंड गाड़ी हम खरीद लिया। पहले दो तीन चार सब सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद कर बिजनेस शुरू किया और एक एक करके परमिट हम राइडर से लिया। सब हमारा हम लोग नॉर्थ बंगाल में गाड़ी चलते हैं, नॉर्थ बंगाल मालूम जैसे सिलीगुड़ी तक, सिलीगुड़ी तक, तो ऐसे ऐसे करके वो भाड़ा पड़ लेके कुछ अपना गाड़ी लेके रूट आस्ता आस्ते से बढ़ाया। 8-10 साल के बाद में हमारा 10-15 का गाड़ी हो गया। तब तो मेरे जो छोटा भगना उगना है, दीदी का लड़का उड़का है, वो लोग भी बिजनेस में आने चाहता है। तब तो देखता है ठीक है, ये लोग भी बिजनेस में जब आने चाहता है तब तो हमको बिजनेस और थोड़ा बढ़ाना है। तो इसीलिए हम ऐसी गाड़ी भी खरीदे उसको उस टाइम में। और अभी तो एकदम नया जो जेनरेशन आया है तो एकदम मैंने हम लोग का बाहर चला गया, क्या हम लोग मैनुअल काम करने सीखा जी, हाँ। छोटे से, लेकिन अभी तो मैनुअल काम हो गया उड़ गया, अभी तो सॉफ्टवेयर हो गया। तो वोल्वो फर्स्ट जब वोल्वो लिया हमारा दोस्त कुछ हेल्प किया है, कुछ रुपया दिया, घर से भी कुछ बाबा रुपया ने, प्लस मेरा जो बाड़ी था वो भी बैंक में डाल दिया, डाल के रुपया लेके पहला वाला हम वोल्वो खरीदा है। अभी मेरे के पास 10 वोल्वो है। अभी तो बिजनेस तो आगे बढ़ ही गया और जैसे मॉडर्न होते जा रहा है हमको भी मॉडर्न होना होते जाए और हमारा भी बिजनेस में भी कॉन्फिडेंस अभी बढ़ गया। अभी ऐसे ही आगे चलना चाहिए, चलते हैं। तो आपने काफ़ी मुश्किलों का सामना करके अपने बिजनेस को एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया, मगर कहते हैं ना अगर सपने देखना छोड़ दे तो हम बढ़ना छोड़ देते हैं। ये तो बात एकदम बिल्कुल रियलिटी है, जो सपना जो नहीं देखेगा वो आगे नहीं बढ़ने सकेगा। जी बिल्कुल, सपना ही हम लोग को आगे बढ़ने देता है, जिसको सपना नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेगा। या हम आगे खुद किच करेगा, आगे और हाँ। बढ़ना चाहिए और क्या देखता है, दूसरा जो कंपनी है वो लोग इतना आगे बढ़ जाता है तो हमको भी बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम लोग को बिजनेस में पीछे चला जाएगा, हम भी पीछे चला जाएगा हम लोग का बिजनेस। और हम लोग तो ये हम लोग को रूटी रुझी है आगे बढ़ने के लिए, जो रोड बन जाएगा तो हमारा गाड़ी भी चलेगा ठीक से। और अभी आगे जाते जाते और भी रोज बेटर होते जा रहे हैं। हाँ, बेटर हो जाएगा तो हम लोग भी सर्विस ज़्यादा देगा, अच्छा देगा, और अच्छा देगा। और यदि अच्छा कोई गाड़ी आएगा तो वो भी जी। हम लोग लेने सकेगा, लेके चलाएगा। क्या गाड़ी का तो अभी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन उसमें से प्रॉफिट उतना नहीं आता है जितना गाड़ी है। इसीलिए हम लोग सोचता है जे दूसरा कोई मॉडल वाला यदि गाड़ी आएगा तो अच्छा है, जिसको कॉस्ट कम होगा लेकिन कंफर्ट ज़्यादा होगा। अभी देखिए बाहर स्टेट में कोई कोई वोल्वो चला गया, अभी भारत बेंच लेलैंड ऐसा आ गया, जैसे साउथ में देखा है, साउथ में बहुत सारा गाड़ी था, पहले तो स्कैनिया था, अब स्कैनिया छोड़ के वो लोग सब आ गया लेलैंड और भारत बेंच। तो हम लोग भी आने का है, ये वोल्वो वाला गाड़ी में इतना कॉस्टिंग है, कॉस्ट इतना ज़्यादा हो गया, हम बंगाल में चलाने से उसको जो जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट से ज़्यादा खर्चा होता है गाड़ी में, गाड़ी में ज़्यादा मालूम नहीं। अभी तो कंपटीशन चलता है, सब वोल्वो लेना है, इन्वेस्टर आ गया है, इसलिए आपको तो हमको तो अभी डरना ही है। उसको बाद में हम चाहते हैं आगे दोस्तों कुछ इसको थोड़ा चेंजेस चाहिए, हम लोग को ऑपरेटर को ये चेंज करने होगा, वो तो नहीं तो नहीं होगा। तो अगर कस्टमर सर्विस की बात की जाए तो आप कैसे अपने कस्टमर्स को सर्विस करते हैं कि आपके पास वापस? हम तो हर टाइम मेरे जो जो अटेंडेंट रहता है, जो ड्राइवर रहता है, हम तो हर टाइम उस लोग को ऐसे ही ट्रीटमेंट करता है। हर टाइम बोलते देखिए पैसा का जरूरत नहीं है, पहले जो कस्टमर जाएगा कस्टमर से ठीक से बात कीजिए, कस्टमर से ठीक से व्यवहार कीजिए, जैसे कस्टमर रूठे नहीं। जी, कस्टमर कोई वो कोई भूल करने सकता है, कस्टमर बोलता है ऐसे पैसा देके टिकट काटा, ये नहीं वो नहीं, लेकिन आप रूठो मत, आप उसको बुझाओ क्या हुआ साहब, क्या हुआ सर, उसको बुझाओ क्या आपको तकलीफ है, हम देखिए हम आपको तकलीफ दूर कर देगा तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे स्पीड लिमिट भी गवर्नमेंट का 80 स्पीड लिमिट है, लेकिन ये क्या हुआ, कोई कोई ऑपरेटर क्या हुआ 100 स्पीड खोल दिया अपने से, खोल के क्या करता है ये लोग, जब हम खुला नहीं कहे, हम गवर्नमेंट का रूल्स का ही मानता है, फॉलो करता है, कहे हमको 80 जब गवर्नमेंट रूल्स दे दिया हम क्यों इसको 100 स्पीड करेगा। और हमको रोड जो ठीक रहेगा हम सही टाइम में ही
घुसेगा। ये लोग 100 स्पीड नहीं जाए, ये जो खड़गोश और कच्छप का मंदिर है, तो जो हम लड़का लोग को बोलता है, देखिए ये कच्छप और खड़गोश का गल्प है। जैसे कछुआ जाता है धीरे 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 जाता है, खरगोश दौड़ दौड़ के जाता है, जाते मालूम होता है तो पीछे पीछे चला गया तो खरगोश छूट गया, कछुआ इसे ही चल गया। तो हम वही लड़का लोग को इसे सिखाता है, देखो ये लोग भागेगा होटल में जाके, ये देखेगा होटल में जाके एक घंटा रुक गया जी। कोई जगह में एक घंटा रुक गया, ठीक है तुम अपना स्पीड में जाओ, जाएगा ठीक ठीक जाएगा, मैं पैसेंजर को ठीक से बताओ जे दादा हमको सर इतना टाइम दीजिए, हम सही टाइम पर आपको पहुंचा देंगे। तो ठीक एक ही लिमिट से जाने क्या होता है, एक लिमिट से जाने से गाड़ी भी ठीक रहता है, पैसेंजर को भी तकलीफ कम होता है, क्योंकि ज्यादा स्पीड नहीं लगे वो कोई गड्ढा है वो है, वो पैसेंजर को सेफ्टी भी ज्यादा है, वो भागेगा इसे ऐसे बहुत सारा एक्सीडेंट भी हो जाता है, ओवरटेक करने लगे। कोई कोई कंपनी का है, कोई कोई जो क्या बोलेगा जो ड्राइवर लोग है जो पायलट लोग है क्या करता है, लोकनाथ को ओवरटेक कर दिया वो हॉर्न मारते मारते जाता है, वो क्या रात को 2 बजे 2:30 बजे हॉर्न मारते मारते जो जो क्या बोलेगा हमको रूल्स का बाहर है, जो कि पैसेंजर्स को भी तकलीफ देती है। नहीं, बगल वाला वो बगल वाला पैसेंजर को क्या बुझाने चाहता है, ये देखो हम ज्यादा स्पीड है हम आगे पहुंचेगा, हम बोला देखिए सर वो भी जिस टाइम में जाएगा अभी उसी टाइम में जाइएगा, अब देखिए 5-10 मिनट का इधर उधर होगा, लेकिन आपको कंफर्ट आ गया है, कंफर्टनेस है आपको, सिक्योरिटी है। और एक क्या बात है, जो पैसेंजर जाते हैं उसको नींद का दरकार है रात को, आप प्लेन में सफर किया, अब यदि नींद नहीं जाएगा तो वेदर खराब हो गया प्लेन में तकलीफ होता है तो आपको भी नींद चला जाएगा। ऐसे ही हमारा गाड़ी भी यदि 100 इधर उधर 100 भागने से कहते कोई गाड़ी को ओवरटेक करने पड़ने पड़ता है, इसको बाय डायने करने से क्या पैसेंजर को तकलीफ होता है, तकलीफ होता है, वो कोई गिर जाने सके वो भी डर से देखता है, अरे डर लगता है। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं हमको जो स्पीड बना है वही स्पीड से जाओ, सही ढंग से जाओ, पैसेंजर को कम्फर्ट फील कराओ। जैसे पैसेंजर गया तो बोलेगा कब आ गया सिलीगुड़ी हमको मालूम नहीं है, तो ये तो कॉम्पिटिशन में आ गया। तो ये हम कस्टमर को बोलता है, प्लस हम लोग को जो अटेंडेंट है उसको भी हम समझता है, ड्राइवर लोग को भी बोलता है ठीक से व्यवहार करो, रोड पर कोई नशा भंग मत करो, ठीक है कोई नशा भंग मत करो, कस्टमर से ठीक से डील करो, ठीक है। और जो रेटिंग देना चाहता है उसको भी बोलो जी सर हमको रेटिंग दीजिए, जैसे हम मैंने हम पहला दिन से टिफिन देता है, मैंने स्नैक्स देता है, स्नैक्स जैसे प्लेन में देता है वैसे स्नैक्स वाटर फ्री में देता है, टिकट का सर जो भाव से टिकट लेगा आने में जाने में भी। हम पैसेंजर को बोलता है देखिए हम तो स्नैक्स आपको देता है, आपको कंफर्ट देता है, आपको सही टाइम पर पहुँचाता है, तब लोकनाथ में क्या असुविधा है आपको, लोकनाथ में आप सफर कीजिए। सही बात, तब आदमी हमारा पास सफर कीजिएगा, हम बिजनेस में रहेगा तो आगे फिर हमें आगे बढ़ेगा, और पैसेंजर ही मेरे को लोग किया है, तो पैसेंजर नहीं हमको सपोर्ट करेगा तो हम कैसे आगे बढ़ेगा, तब वो उसी लगे तो हम खाता है, वो नहीं चलेगा तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। हमारा लड़का लोग जो अटेंडेंट है वो ठीक से आचार व्यवहार ठीक से कस्टमर को साथ करेगा तब ना पैसेंजर मेरे पास आएगा, क्या उसको लेके ही चलना पड़ता। हम तो सब आदमी को नहीं बोल सकेगा, हम मुँह से बोलने सकेगा, जो अटेंडेंट है उसको बोलने सकेगा भाई ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, हाँ तुम ठीक नहीं करता है, कोई कंप्लेन आता है तो तुरंत हम बोलता है उसको उतर दो, उसको उतर दो कहे वो ठीक नहीं व्यवहार किया। हम कस्टमर से कभी माफ़ी मांग लेता है जो सर भूल हो गया तकलीफ हो गया मेरा का क्या बोलती है। कस्टमर सर्विस अच्छी देने के लिए आपकी टीम भी बहुत अच्छी होनी बहुत जरूरी है, उनका मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। 100% तो आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट ये कि हम हर टाइम वर्क में रहता है, ये कब मोटिवेशन करता है जब हमारा पर जब हमको स्टाफ को दूसरा दिन ड्यूटी देता है, ये ड्यूटी हम खुद करता है, क्या क्योंकि स्टाफ जैसे हमसे बात कर ले वो भी चाहता है जो ऑपरेटर्स के डायरेक्ट बात करेगा, स्टाफ लोग भी चाहते हैं, तब हम उसको बोलते हैं देखो भाई ऐसे ऐसे चलो, तुम्हारा नाम में ये कंप्लेन है तुम्हारा नाम में ये कंप्लेन है, तुम अच्छा से चलो। और डेली हम डेली जैसे मेडिटेशन करता है हम डेली हमारा जो स्टाफ है डेली हम भी उसको मेडिटेशन करते हैं जो भाई सही ढंग से तुम्हारा कोई कंप्लेन आएगा तो हम उतार देगा भाई, कोई पैसेंजर कंप्लेन मत आना चाहिए हमारे पास, आपको गाड़ी जैसे सफा रखना है सफा रखिए, कोई पैसेंजर ना बोलेगा ये भाई 2 दिन का बेडशीट दिया, क्या
पैसा तो हमारा जाएगा, साफ सुथरा तुम्हारा करना है, साफ सुथरा रखो, टिफिन सही ढंग से दो, कोई को पानी दूसरा टाइम चाहेगा उसको भी दो, किसी को तकलीफ हुआ रोड पर, किसी को तबीयत खराब हो गया उसको देखो क्या हुआ, नज़दीक कोई हॉस्पिटल है उसको ट्रीटमेंट करो, नहीं तो कोई पैसेंजर को देखिए ऐसे होता है होटल में, हम जब बुलाता है ये दीदी चलाइए मैम चलाइए ये वॉशरूम इधर है, इतना लंबा सफ़र है, हम लोग को तो ट्रेन जैसे नहीं है, ये ट्रेन जैसा है उसमें वॉशरूम है सब कुछ है, तो हम उठाता है, कभी कभी उठाता नहीं है, ऐसे ही होता है, देखा गाड़ी छोड़ दिया तब अरे हम को बुलाया नहीं, हम देखो उसको भी होता है कभी नीच चला गया, चलो ठीक है उसको अगल बगल में और देखो जो कोई जाएगा मैं उसको सेफ्टी, कोई पेट्रोल पंप है तो उसको लेकर पेट्रोल पंप में खड़ा कर दो, ये हम लोग का बिजनेस का एथिक्स है, यही एथिक्स से हम लोग चलता है, यही एथिक्स से चलने से हम लोग को हमको यही कॉन्फिडेंस है कि हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े जाएगा। आपकी सफलता में आपके परिवार का क्या सपोर्ट रहा? ये तो 100% मेरा परिवार का सपोर्ट रहा है, तब नाम आगे बढ़ा है, जैसे जब हमारा जो घर है किरा बाबा का पिताजी का वो हम बैंक में दे दिया, तो सब घर में परिवार में सब सपोर्ट किया तब ना, कोई तो नहीं ऑब्जेक्शन किया जाना तुम क्यों दिया इतना रुपया लिया यदि शोध नहीं करने, लेकिन कोई आदमी कुछ हम छोटा है दीदी लोग से छोटा है, लेकिन वो लोग हमारा पास इतना ही कॉन्फिडेंस है जो हमारा भाई जो है वो ठीक सही रास्ता पर चल रहा है, कॉन्फिडेंस है, इसीलिए हमको परिवार का तो कोई उनका भरोसा ही सबसे तो, बड़ा सपोर्ट रहा। मेरा माँ का आशीर्वाद है, मेरा पिताजी का आशीर्वाद है कि तुम आगे बढ़ो, चलो कुछ करो, तुम फैमिली चलाना है तुमको, तो यही तो है। और उस टाइम में तो हम तो जीरो से शुरू किया, हमको पास कोई फाइनेंशियल भी नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है, बाद में अभी देखिए कोई दोस्त उस है आगे बढ़ गया, कोई दोस्त है बोलता है ठीक है चलो भाई, उसको पास है नया गाड़ी लेने से बोलता है चलो भाई तुम कुछ ले लो चलो चला लो, ऐसे कभी कभी अभी दोस्त लोग थोड़ा फंड डाल देता है, लेकिन पहले हमको जीरो से ही शुरू करना है, थोड़ा फैमिली वाला भी अभी जैसे हमारा दीदी लोग सभी नौकरी करता है, ठीक है कभी दरकार तो दीदी लोग से भी ले लेता है, ऐसे अभी आगे बढ़ता है। अभी जैसे काफ़ी नई जनरेशन इस बस इंडस्ट्री में आ रही है, जो नए आ रहे हैं जो अपने फादर का बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं और या तो जो नया स्टार्ट किया, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? हम तो चाहते हैं जो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो लोग आउट का जैसे मॉडर्न हो गया, सब बिजनेस मॉडर्न हो गया, मेरा बास बिजनेस भी उतना ही मॉडर्न हो गया, इसको मॉडर्नाइज करने के लिए जो जो करना चाहिए वो भी उसको भी करने होगा, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट, जैसे आदमी को पास एडवर्टाइज करिए, जैसे आपको रेड बस का एडवर्टाइज होता है वैसे ही जैसे फेसबुक में डालिए, नया जनरेशन भी आया वो लोग भी जो भी ऐसे व्यवहार अच्छा रखेगा सबसे तो ये लोग भी आगे बढ़ेगा, क्या उसको ही आगे बढ़ना है। तो आपके अनुसार नई जेनरेशन के साथ साथ नई टेक्निक्स भी बहुत ज़्यादा एकदम नई नई वही तो आपको वही तो आपको क्या बोला है पहले ही बोला है जो गाड़ी का मॉडल चेंज करके पूरी हर टाइम छो, लेकिन इतना जल्दी जल्दी टर्मिनेट हो रहा है, इतना जल्दी मॉडल हो रहा है, उसमें ताल मिलाने के लिए हम लोग जो पुराना आदमी है हम लोग को कोई तकलीफ होता है, इसीलिए नया जनरेशन का उसमें घुसने होगा, यदि सर्विस देगा तब ना मेरे पास आएगा, कस्टमर तो एक ही है, तीन कस्टमर आएगा तीन कस्टमर खोजेगा, तीन कस्टमर का हम चाहता है जो हमारे पास दो कस्टमर आइए, कहिए क्योंकि हमको जो अटेंडेंट उसको व्यवहार से आदमी चलता है, अभी जो किसको पास जाने से व्यवहार अच्छा होगा सर्विस अच्छा होगा तो हम वही लड़का लोग को वही सिखाता है जो देखो सर्विस अच्छा दो, कस्टमर से ठीक से रहो, कस्टमर का कोई टाइम में कस्टमर का कोई भूल होगा तो उसको भी चलो देख लो क्या हुआ नहीं हुआ, क्या धर्मतला मार्ट में आएगा कोई टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा कैसे जाएगा, उससे अच्छा तुम घर में टिकट बना लिया, हम भी हम लोग को गाड़ी को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अच्छा, चलो भाई हम लोग को 90% बुकिंग हो गया चलो ये गाड़ी एकदम रेडी कर दो, चलिए पैसेंजर को भी सेफ्टी हो गया, ऐसे अभी तो नया जनरेशन के ऐसे ही चलना ही होगा हम लोग क्या करें। अपने सक्सेस के लिए आप किसको धन्यवाद कहना चाहेंगे? हमारा सक्सेस के लिए किसको धन्यवाद देगा, ये तो मेरा परम गुरु है, मेरा पिता मेरा माता जो हमको आगे बढ़ने के लिए इन्फ्लुएंस दिया, जो आगे बढ़ने के लिए हमको साहस दिया कॉन्फिडेंस दिया, उस लोग को ही बोलेगा परिवार को ही बोलेगा, मेरा परिवार ही सब कुछ है।
कोई दोस्त लोग भी है साथ में। और इसमें क्या है, हमको ये देखिए, ये बिजनेस मेरे को ब्लड में चलाया, ध्यान ज्ञान जो है मेरा परम गुरु, मेरा पिता, मेरा माता और जो ईश्वर को हम मानते हैं, जब जब भी तकलीफ होता है हम ईश्वर को ही बुलाता है, और किसी को बुलाएगा? और किसी को तो बुलाने के नहीं है, ईश्वर को ही बुलाता है, तुम ही रोका देखो क्या हुआ नहीं। और हमारा तो बिजनेस में, बास का बिजनेस में तो हर टाइम तकलीफ रहता है, ये हो गया, वो हो गया, से हो गया, सब मिला जुला के चलना पड़ता है, और क्या करें ऐसे। और सब जितना नया ऑपरेटर है सबको बोलेगा देखो तुम लोग भी मिलजुल के चलो। रॉबिन जी खूब खूब धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, खूब खूब धन्यवाद, वेलकम, थैंक यू सो मच। एंड धन्यवाद ऑल द व्यूअर्स, अगर आपको रॉबिन जी की स्टोरी उतनी ही मोटिवेटिंग लगी जितनी मुझे, तो प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।